अच्छा मैं ट्राइंगल ए बी डी में आ जाओ, अगर ये एंगल x है, ये बराबर इसके, तो ये भी कितना होगा, ये भी x हो गया, ठीक है। ये जो एंगल बी डी सी है इसको आप z मान लो। अब देखो ए डी बराबर है ए सी को, तो ये पूरा एंगल हो गया x प्लस z, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x प्लस z, ठीक है। ये एंगल मेरे को नहीं पता, यहाँ पे भी इस एंगल को y मान लो, ठीक। सबसे पहले आप आएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या मिलेगा, ए बी डी मिलेगा, ये x प्लस x प्लस 50 प्लस y, ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, तो x प्लस x हो गया, ये लिख रहा हूँ मैं 2x प्लस y प्लस 50 इक्वल टू 180। तो क्या मिल गया आपको इक्वेशन, 2x प्लस y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब इस ट्राइंगल ए सी डी में आ जाओ, इसमें क्या मिलेगा, ये है x प्लस z और ये पूरा भी x प्लस z, क्योंकि दोनों एंगल साइड बराबर है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ z प्लस ये एंगल कितना है y, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखो ये 2x plus y कितना 130, so this 2x plus y can be written as 130 plus plus 2z equal to 180, ठीक है। अब 130 का माइनस होगा तो कितना आएगा, 180 minus 130 आएगा 150, और आपका z हो जाएगा, sorry 150 नहीं 50 आएगा, z हो जाएगा 50, ये 2 upon आएगा 50 by 2, that is 25 degree।